का एक जनसैलाब है। कलश यात्रा लेकर आगे बढ़ती हुई तमाम महिलाएं सबसे ज्यादा भागीदारी है इस महायज्ञ में, तो उस महिलाओं के लिए और खास पुरुष भी एक इसमें शामिल है। और कहीं ना कहीं इस यात्रा में कलश यात्रा का काफी श्रद्धा है और गांव-गांव से लोग हैं इस यात्रा में। और मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक मनोकामना है इस महायज्ञ के थ्रू की लोगों की मनोकामना आपको सीधे दिखाने को कर रहा हूँ, आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये नज़ारा आपको सीधे तस्वीरें जामिया वर्ल्ड पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी जनसैलाब उमड़ा है, लगभग 3 किलोमीटर तक ये यहाँ पर सह गाँव में पहुँची हुए, लेकिन वहाँ महुआवा तक भी एक तरह से पूरा महा यज्ञ का एक तरह से कलश यात्रा है। आपको सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ और ये नज़ारा आपको बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ लाइव, आप समझ सकते हैं लाइव कितनी बड़ा एक तरह से यहाँ पर जनसैलाब जो उमड़ी हुई है और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही एक तरह से बहुत ही ऐतिहासिक ये महायज्ञ हो रहा है और इसमें हर वर्ग हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पे इसमें शामिल है और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लाइव, क्योंकि जो विदेश में है वो इस लाइव के माध्यम से अपनी एक तरह से श्रद्धा है वो पूरा कर सकते हैं। और आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये श्रद्धा जो आप देख सकते हैं, आप दिखाने ये बहुत ही ऐतिहासिक है जमुना जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सीधे लाइव जामिया वर्ल्ड पर। और ये बहुत कम ही इस तरह के श्रद्धा मिलता है देखने को, लेकिन आपको यहाँ देखने को श्रद्धा मिल रहा है। आप सीधे लाइव दिखाने की कोशिश में कर रहा हूँ, बहुत लगभग 3 किलोमीटर तक का ये एक तरह से है ये लाइन और एक तरह से कलश यात्रा है, जो कि बड़े बुजुर्ग भी लोग हैं और छोटे मासूम बच्चे हैं, सबका एक श्रद्धा है और सब कोई इसमें शामिल है। और आप सीधे प्रशासन भी अपना मुस्तैदी के साथ अपना काम में लगी हुई है ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं का। तो ये आपको सीधे लाइव यही दिखा रहा हूँ कि कितनी भव्य और कितना बड़ा महायज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ में कहीं ना कहीं महिलाओं की पार्टिसिपेशन और लड़कियों की पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है। और ये ऐतिहासिक और भव्य जो आपको दिखाने की मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लगभग 3 से 5 किलोमीटर के लगभग ये पूरा एक तरह से जो यात्रा कलश यात्रा है उतना लंबा है और काफी लोग इसमें पूरा अपनी श्रद्धा से इसमें जुड़े हुए हैं और अपनी एक तरह से जो पानी भरने के लिए कलश जो यात्रा है काफी ऐतिहासिक है। और ये श्रद्धा के साथ जो यात्रा जो हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपना पूरा मुस्तैदी के साथ इसमें लगा हुआ है कि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। सीधे तस्वीरें हर वर्ग के लोग भी एक तरह से वॉलेंटियरिंग कर रहे हैं कि पूरा कुशल मंगल तौर पर यात्रा पूरा हो जाए। तो बस सबके एक तरह से श्रद्धा वाला कहीं कह सकते हैं जो नारा है अपने श्रद्धालु एक तरह से नारा लगा रहे हैं और सीधे अपने कलश यात्रा से लेकर सीधे आगे बढ़ रहे हैं। तो एक भव्य ऐसा यात्रा, ऐसा कलश यात्रा बहुत कम ही देखने को मिलेगा और जो कि आपको इस गांव में खासतौर पर सगरोवा गांव से हर जाति धर्म के लोग इस यात्रा में शामिल हैं और सबों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई है और अपनी पूरे भावनाओं के साथ आराम से कलश यात्रा में शामिल होते हुए आगे जा रहे हैं। प्रशासन भी एक तरह से अपना काम मुस्तैदी के साथ कर रहा है और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही बखूबी श्रद्धा के साथ ये चीज़ें हो रही है। तो आपको लाइव दिखा रहा हूँ, अगर जो विदेश में है और किसी वजह से गाँव में नहीं आ पाए होंगे तो अपनी श्रद्धा पूरा कर सकते हैं एक तरह से लाइव देख कर भी कि अपने गांव देहात में एक तरह से कहीं ना कहीं महायज्ञ जो कि काफी श्रद्धा के साथ हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त पार्टिसिपेशन है महिलाओं की और खास तौर पर जो लड़की लोग हैं उनका भी काफी जबरदस्त पार्टिसिपेशन रहा है और बड़े बुजुर्ग लोग भी इसमें पूरा हैं। और मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि कितना जबरदस्त ये कलश यात्रा है और मैं आपको सीधे तस्वीर दिखा रहा हूँ लाइव, आप जामिया वर्ल्ड पर देख रहे हैं इस भव्यता का और कितना जबरदस्त है। तो ये कहीं ना कहीं जो सगरोहा
महोवा पंचायत या सगरहवा गांव से चौक से जो एक मंदिर बना उसमें एक तरह से कहीं ना कहीं भव्यता के तौर पर आप लगभग 5 किलोमीटर एक लंबा जो कलश यात्रा का जो यात्रा है आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि कितनी श्रद्धा के साथ पूरा लोग जुड़े हुए हैं अपनी श्रद्धा के साथ। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल धार्मिक जगह देश है और उसमें सब धर्मों की अपनी अपनी श्रद्धा है जो अपने अपने एक तरह से नियम के साथ कॉन्स्टिट्यूशनली पूरा करते हैं। तो लाइव बजाबते मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना श्रद्धा है और इस श्रद्धा के साथ लोग जुड़े हुए हैं और अपनी कलश यात्रा लेकर सीधे धीरे धीरे आगे जा रहे हैं और काफ़ी सहयोगात्मक तौर पर प्रशासन भी पूरा सहयोग के भूमिका में है और सहयोग के यहाँ पर ही किसी भी पवित्र या धार्मिक काम एक तरह से पूरा सफल बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं तो आपको सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी श्रद्धा के साथ ये पूरा एक तरह से कलश यात्रा जो कि लगभग अभी भी कितना पीछे एक लंबी सी लाइन है और ये पूरा एक तरह से अपनी लाइन कतार में लगकर हुए आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। खासतौर पर काफ़ी एक श्रद्धा और पवित्र एक तरह से पर्व कह सकते हैं महायज्ञ। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये हो रही है और आपको मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। काफ़ी श्रद्धा के साथ पूरा एक तरह से यात्रा जो कलश यात्रा कह सकते हैं जो हो रही है बहुत ही लंबा बहुत ही बड़ा बहुत ही विशालकाय जो यात्रा जो है और लोग भी एक तरह से अपने छतों के ऊपर से देख रहे हैं। इससे काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि मल्टी कल्चरल ये देश है और सबों की अपनी आस्था है। उस आस्था के हिसाब से एक तरह से अपना अपना धर्म मानते हुए महायज्ञ हो रहा है। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बजाबते लाइव जो आप देख रहे हैं कोई अगर विदेश में जो होंगे वो लाइव के थ्रू अपनी इस पवित्र जो कलश यात्रा है उसे देख कर अपनी श्रद्धा पूरा कर सकते हैं। तो बहुत ही लंबी लाइन लगभग अब मैं आपको कह सकता हूँ कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक की ये लंबी लाइन है जो कि एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक बहुत ही विनम्र भाव से जो अपना है वो पूरा यात्रा के और कलश यात्रा का जो पूरा एक रूल है धार्मिक भावनाएं है पूरा उसी हिसाब से अपना इस यात्रा में शामिल होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको लाइव दिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही अच्छी बात है कह सकते हैं कि एक तरह से सभी का एक सम्मान के साथ पवित्र जो एक तरह से एक महायज्ञ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सगरहवा एक सगरहवा पंचायत है और उस पंचायत का में सगरहवा गांव और चौक पे जो एक भव्य मंदिर बनी है वह एक तरह से स्थापित एक तरह से आने वाला फ्यूचर में सगरहवा चौक से शहर बन सकता है। जिस तरह से उसकी ज्योग्राफी है कहीं ना कहीं उसकी लैंड है एक तरह से आने वाला समय में आप देख सकते हैं वहाँ पर कितना तमाम स्कूल से हॉस्पिटल्स भी आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का शुरुआत अगर पवित्र हो अच्छा हो शुभ हो तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो सकता है। तो आपको लगातार मैं इस भव्यता को आपको इस कलश यात्रा को दिखा रहा हूँ। बस आप मैं सोच रहा हूँ कि कितनी ये पूरा कंप्लीट हो इस कलश यात्रा को तो मैं कंप्लीट करूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ही लंबी लाइन है और इस लाइन को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।